आपका डेटा मीन से कितना डिविएट कर रहा है, उन सब का करो स्क्वायर, और स्क्वायर करके जो डाटा बन गया उसका निकाल दो मीन. दैट इज वेरिएंस डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स और सिग्मा स्क्वायर. क्या करना है, एवरेज निकालनी है. किस चीज की एवरेज निकालनी है, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम द मीन. सो ये बेसिक फॉर्मूला जो हर तरह के डाटा में एप्लीकेबल रहेगा, चाहे वो रॉ डाटा है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है. लेकिन अगेन क्वेश्चन इज, कई बार आपका जो मीन है वो सपोज पॉइंट्स में आ जाता है, तो उस केस में एक्स आई माइनस मीन करके फिर उसका स्क्वायर करना वॉन्ट बी एन इजी टास्क. तो वहां पर जाकर के हम, अगर हमारे पास मीन जो है वो आपकी पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आ जाए, तब हम ये फॉर्मूले की बजाय कुछ और फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं. अगेन क्वेश्चन मैंने बोला आता है रॉ डाटा पर बेस्ड, और रॉ डाटा के लिए ये फॉर्मूला जो है काफी हद तक काम कर जाता है. नहीं तो एक और फॉर्मूला है वो भी नोट करो. सेकेंड फॉर्मूला इज समिशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समिशन एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर. दिस इज वेरिएंस. वन अपॉन एन समिशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समिशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर. ये क्या है, समिशन एक्स आई अपॉन एन मीन है नहीं. सो यू कैन राइट इट अनदर वे राउंड ऑल्सो, समिशन एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर. क्लियर है. रॉ डाटा के लिए ये या बहुत टाइम ये चीज भी हमारे एप्लीकेबल हो सकती है. डिपेंड्स किस तरह का डाटा है, तो आपका उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा. एक इसमें हमारे पास आती है, अच्छा, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में रिलेशन क्या है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट वेरिएंस, वी डिनोटेड विद सिग्मा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट वेरिएंस डिनोटेड विद सिग्मा. हाँ जी, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है उसके ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. अब बस मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो, फॉर्मूला तो मैं बता देती हूँ. कौन सा फॉर्मूला, ये वाला या ये वाला आपको बेनिफिशियल है यूज करने के लिए. फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, यहां पर वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर टेन एन स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है. यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला समिशन एक्स का एन एन प्लस वन बाय टू डिवाइड बाय एन. ठीक है, फॉर्मूला जो आपके पास है दैट इज एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व अंडर रूट. दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. I calculated it using this particular formula. 1 n square minus 1 divided by 12. दो चीजें और फटाफट से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन उसके ऊपर मिलता है, लिखो जी. इफ अ पर्टिकुलर वैल्यू इज एडेड, और आई शुड से इफ अ कॉन्स्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इफ अ कॉन्स्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा, फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा इट्स वेरियंस रिमेन्स अनचेंज्ड. इट्स वेरियंस रिमेन्स अनचेंज्ड. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा आर मल्टीप्लाइड विद अ नॉन जीरो क्वांटिटी ए. नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बट हैज टू बी नॉन जीरो.
multiplied by a non-zero quantity A, then variance of new data, is A square times the variance of old data. पुराने डाटा का जो वेरिएंस है उस वेरिएंस को जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है सभी ऑब्जर्वेशंस को उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नए वाले डाटा का वेरिएंस मिल जाता है. एंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन दिस बिकम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू डाटा मॉड ए टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओल्ड डाटा. यहाँ पर मॉड आ गया, यहाँ स्क्वायर किया, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी क्वांटिटी होगी स्क्वायर का ही इम्पैक्ट आने वाला है. अगर नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन उस नंबर से मल्टीप्लाई होती है, पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट नहीं आता. इन दोनों पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में. क्वेश्चन लिखो जरा. ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास performed poorly in mathematics. Okay. All the students of a class performed poorly in mathematics. The teacher decided to give grace marks of 10 to each of the students. Which of the following will not change? Even after the grace marks are given? First hai mean, second median, third mod, fourth variance. मीन भी चेंज हो जाएगा अगर 10-10 मार्क्स सबके बढ़ा दिए तो मीन में कितना इंक्रीमेंट होगा? 10 का इंक्रीमेंट. अगर मीडियन को बढ़ाया, अगर वैल्यूज को बढ़ाया तो मीडियन की वैल्यू भी तो 10 बढ़ जाएगी. वो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बढ़ी तो मीडियन की वैल्यू भी बढ़ेगी, इसी तरह मॉड की भी बढ़ेगी. क्या चीज नहीं चेंज होगा? वेरियंस. क्योंकि एडिशन करने से क्वांटिटीज में वेरियंस अनइफेक्टेड रहता है, कोई चेंज नहीं आता. हाँ जी, क्या करते आप सुचैन? हाँ, ये क्वेश्चन 2013 IIT मेंस का है. ठीक है जी, चलो जी. अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मुश्किल क्या आएगा? इसलिए तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, और चार चीजों के बीच में, चार चीजों से ज्यादा कुछ है नहीं उसमें करने को. तो एटलीस्ट वो नंबर तो ले लो. लिखो जी क्वेश्चन, लिखो. X1, X2, X3 till XN are the observations. X bar is their mean. Sigma square is their variance. Statement 1 hai, variance of 2X1, 2X2 till 2XN is 4 sigma square. और स्टेटमेंट 2 है, मीन ऑफ 2x1, 2x2 टिल 2xn इज 4x bar. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, दोनों में से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है वो बता दो. एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन है नहीं है कुछ भी, जो भी कहानी है वो बता दो. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन हो जानी है वेरिएंस. ये ट्रू है, ये फॉल्स है. ये क्वेश्चन AIEEE 2012 का है.
हाँ जी चलो जी एक क्वेश्चन और लिख लो। हाँ मीन क्या क्या चेंज होगा अगर पहले आपके पास था एक्स वन प्लस एक्स टू टिल एक्स एन अपॉन एन, ये है मीन। हर एक बस बातें नहीं करो भाई, हर एक क्वांटिटी को दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो सम में चेंज होगा और तो कहीं चेंज नहीं होना। तो ये क्या बनना चाहिए, टू टाइम्स मीन, फोर टाइम्स मीन तो नहीं बनेगा। लिखो जी नेक्स्ट लिखो कुछ नहीं बन जाते। लिखो जी फॉर टू डाटा सेट्स each of size 5. What do you mean by each of size 5? Number of observations 5-5 hai unke andar. For two data sets each of size 5, the variance are given to be 4 and 5 and corresponding means are given to be 2 and 4. Variance for two data 4 and 5, mean for the both data is 2 and 4. You have to calculate variance of combined data. यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, not a very direct question, so you have to apply a bit of your brain. शायद क्या क्वेश्चन तो हो ही जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा ना, हमने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया इसमें। बेसिक पर जाओगे तो क्वेश्चन निकलेगा, अगर बेसिक नहीं मालूम तो क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। यस मैम। बेसिकली आपको क्या चाहिए, इन दोनों डाटा का कंबाइंड मीन चाहिए। yes, और फॉर्मूला वेरिएंस में कौन से वाला अप्लाई करोगे तो काम चलेगा तुम्हारा, लास्ट वाला, सेकेंड वाला, समिशन xi स्क्वायर अपॉन एन माइनस समिशन xi अपॉन एन। बस पे तो हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर दो कैलकुलेशन है। करो फटाफट, ये क्वेश्चन है आपका 2010 का, AIEEE 2010, 2009 से लेकर के 2013 तक में जितने क्वेश्चन आए हैं मैंने सभी तुम्हें करवा दिए हैं, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि क्या कुछ आ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। कंबाइंड मीन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों डाटा की ऑब्जर्वेशन का एडिशन और फिर डिवीजन किससे होगी, दस से। एक मिनट, अभी मैं सिर्फ मीन की बात कर रही हूँ। पहली डाटा मैं करूं से समिश एक्स बार फॉर फर्स्ट डाटा, समिशन एक्स आई फॉर फर्स्ट डाटा अपॉन पांच,
पहले डेटा का मीन 2 है, तो जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम कितना आ गया? 10। इसी तरह से जो सेकंड सेट है उसमें कितना आ जाएगा? 20। अब इन दोनों का कंबाइंड मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किससे करोगे? 10 से, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई हैं? 10। सो कंबाइंड मीन इज नाउ 30/10। पहली 10 और 5 ऑब्जर्वेशंस की एडिशन करने पर ये मिल रहा है, बाकी की 10 का 5 का करने पर ये मिल रहा है। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो 30 हो गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 हैं, सो कंबाइंड मीन इज 10। नाउ मुझे चाहिए कंबाइंड वेरिएंस, इंडिविजुअल वेरिएंसेस गिवन है, तो कैन आई राइट 4 इज समिशन xi स्क्वायर अपॉन 5 फर्स्ट डाटा के लिए माइनस 4 मीन का स्क्वायर होता है, 4 और 4 8 इंटू 5 40। एन 5 ही तो है फिर। अभी हम क्या कर रहे हैं? पहले डाटा को देख रहे हो। गिवन नहीं है बेटे, ईच ऑफ साइज 5 यूनिट। एन के बिना काम चलना थोड़ा मुश्किल है। चलो करके देख लेते हैं, वैसे मुझे लगता है। हाँ जी ये ठीक है। इसी तरह से दूसरे डाटा में एक तो ना जिसने बातें करनी है भाई क्लास से बाहर चले जाओ। सेकेंड डाटा के लिए समिशन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? सेकेंड डाटा के लिए जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 16 और ये है 5, 21। ठीक है जी, 21 इंटू 5 105 सबमिशन xi स्क्वायर फॉर द सेकेंड डाटा। कौन 4 होगा? ये 4 क्यों होगा? ये 5 गिवन है आपको, अगले के लिए वेरिएंस 5 गिवन है। अच्छा ये 5 हो गया और ये मीन का स्क्वायर 16 हो गया। हाँ सेकंड केस की बात कर रही हूँ। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दो, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आ गया? 145। कंबाइंड वेरिएंस निकालने के लिए अब फॉर्मूला हो जाएगा 145/5 -9। कंबाइंड मीन था 3, 10 डिवाइड बाय 10 5.5। हाँ जी ओ भाई मेरे, फॉर्मूले कहाँ से गायब हो जाते हैं तुम्हारी बुद्धि में से? क्या बात है, झिड़की खा के याद आता, पहले नहीं आता। हाँ जी ठीक है, जो भी कुछ यहाँ से तुम्हारी वैल्यू आ रही है 11/2 आंसर है, 90 हो जाएगा ना तो डिवाइड करके आपके पास 11/2 इज़ द आंसर। कई बार क्वेश्चन आपके पास अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन में रॉ डाटा पर ही आपको दे दिया जाए कि से 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरिएंस ये है, उनमें से 3 ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, बाकी की 2 निकालनी हो, कर लोगे? जब मल्टीपल चॉइस में कर रहे हो तो सबसे आसान काम है ऑप्शंस से चल करके अपनी आंसर्स को वेरीफाई करा लो, और क्वेश्चन आएगा तो ये रॉ डाटा पर आएगा, किसी और डाटा पर आने वाला है नहीं है। ठीक है जी, लास्ट चीज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इस पर क्वेश्चन वैसे मैंने आपको अभी बोला पिछले 5 साल में नहीं आया है, इस पर बेसिक क्वेश्चन इसी पर ही आ रहे हैं हमारे पास, फिर भी आ सकता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है इसमें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार इज द मीन इंटू 100।
जो भी कोई डाटा है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके मीन से डिवाइड करो इनटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताता क्या है? इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द डाटा। डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द डाटा, कितना वेरिंग है आपका डाटा। सपोज एक ऑब्जर्वेशन उसमें एक है, दूसरी 100 है, फिर 1000 है, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है। या डाटा कंसिस्टेंट हो सकता है कि 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 15, इस तरह की वैल्यूज है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टेल्स द डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द डाटा। तो जितनी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की ज्यादा होगी उतना डाटा कम कंसिस्टेंट, कम स्टेबल होगा। रिवर्स, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, इसका मतलब उसमें वेरिएशन कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो कई बार दो डाटा दे करके आपको कंपैरिजन करने को दे दिया जा सकता है, कौन सा डाटा ज्यादा स्टेबल है या कौन सा डाटा ज्यादा अनस्टेबल है। तो उस केस में आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बताइए। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने जो फॉर्मूलाज बताए आपको वो सिर्फ रॉ डाटा के लिए बताया। जो एक बेसिक फॉर्मूला है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये तो हर एक डाटा के लिए एप्लीकेबल होगा। अब अगर यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो चेंजेस क्या क्या होंगे इसमें? यहाँ पे आ जाएगा एफ आई और यहाँ पर हो जाएगा समेशन एफ आई। और जो सेकंड फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बताया था उसमें अगर पैसे जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी फॉर्मूला एक बार नोट कर लो। से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी लग सकता है ये और ग्रुप्ड पर भी लग सकता है। फॉर्मूला है 1/n समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। सिंपल चीज, पहले यहाँ एक्स आई स्क्वायर था, अभी फ्रीक्वेंसी आ गई है साथ में तो एफ आई से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड था, अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है लेकिन उसको कैपिटल एन समिशन एफ आई से डिनोट कर दिया। यहाँ पर मीन आता है, मीन क्या होता है? समिशन एफ आई अपॉन समिशन एफ, समिशन एफ आई एक्स आई अपॉन समिशन एफ आई होल स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पे एफ आई, अब यहाँ पे कर रहे थे एफ आई से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर तो हर एक पहले ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर किया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, जो टर्म्स आई उनका एडिशन किया। यहाँ पर पहले ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, जो टर्म्स आई उनका एडिशन किया, डिवाइड बाय एन किया, उसका स्क्वायर कर दिया। अब अगर आप डी आई वाली मेथड से चल रहे हो, फिर मैंने वही बात बोली, अगर आपकी एक्सआई जो है वो बहुत लंबी चौड़ी टर्म्स हो, से 30, 35, 45 इस तरह की टर्म्स हैं, तो स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना और फिर काम करना अगेन अ डिफिकल्ट टास्क। वहां पर जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है दैट इज इन प्लेस ऑफ एक्सआई यू विल जस्ट टेक डीआई। डीआई क्या था? एक्सआई माइनस एज्यूम टू। और अगर आप यूआई के टर्म्स में चल रहे हैं तो यहां पर यूआई एंड द होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड विद एच स्क्वायर। इनकी जरूरत हमें बहुत रेयर केसेस में पड़ सकती है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो नहीं पड़े, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा डाटा नहीं कोई देने वाला, फिर आप उसकी बैठ के कैलकुलेशंस करते रहो। ठीक है जी। सो दिस फिनिशेस ऑफ योर स्टार्ट्स। सिर्फ चार चीजें, मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वेरिएंस की दो प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग फॉर रॉ डाटा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन पर्पस। ठीक है जी। एक क्वेश्चन लास्ट और कर दो, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग पे चलते हैं। कैलकुलेट द वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स,
Mean deviation. Na, standard deviation. Variance या standard deviation कुछ भी कह लो. देर लगा भी मैं हो गया क्या आंसर आ रहा है मैं वो ही समेशन लगा के हो गया आंसर मैं एक मिनट में थोड़ी सी सिंपलीफाई करना रहेगा फॉर्मूला फिर से रहेगा समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा समीशन एक्स आई 2 प्लस 4 प्लस 6 टिल एन टर्म्स एन एन प्लस 1 बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 अंडर रूट एन स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 अंडर रूट और वेरिएंस पूछा जाए तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 तो सभी नेचुरल नंबर्स का निकाला था तो आ रहा था एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 अंडर रूट इवन का निकाल रहे हो तो आ रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 अंडर रूट यहां पर क्या चाहिए मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन है यहां चाहिए मुझे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर टिल एन स्क्वायर 2 एन स्क्वायर आई शुड से सारे में से अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा ये हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर टिल एन स्क्वायर तो 4 एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बाय 6 समझ में आ गया क्या किया मैंने सारी ऑब्जर्वेशन में से 2 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया 2 का स्क्वायर बाहर निकालने का मतलब 4 अंदर बच जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल एन स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 अपॉन 6 आगे क्या करना है आपको समिशन एक्स आई का मतलब अब हुआ 2 को बाहर रखें 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन डिवाइड बाय एन और फिर इसका स्क्वायर ये है एन एन प्लस 1 बाय 2 2 कैंसिल एन कैंसिल तो बच क्या गया सिर्फ एन प्लस 1 का स्क्वायर इन दोनों में से एन प्लस 1 को बाहर निकाल दो एलसीएम लो सिंप्लीफाई करो आंसर मिल जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 अंडर